जोहार दोस्तों मैं रंजीत कुमार स्टडी फॉर गोल्स पर आप सबों का स्वागत करता हूं फ्रेंड्स स्टडी फॉर गोल्स को जिन वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से पहचान मिला है वह है फ्रेंड्स डेली झारखंड करंट अफेयर के लेक्चर तो फ्रेंड्स आज है एक सितंबर 2024 और आज से मैं झारखंड करंट अफेयर स्टडी फॉर गोल्स पर जो डेली झारखंड करंट अफेयर के लेक्चर आते थे उसे मैं पुनः बहाल कर रहा हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि हर दिन अर्ली मॉर्निंग झारखंड में हो रही महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ आपसे रूबरू होते रहूँ एक्चुअली फ्रेंड्स पिछले कुछ समय में मैं वीडियो लेक्चर तो ले ही रहा था मंथवाइज़ लेकिन डेली करंट अफेयर नहीं ले पा रहा था क्योंकि जो झारखंड में रोजगार को लेकर अव्यवस्था है वह अपने प्राकाष्ठा पे है यहां पे मतलब जिस प्रकार से बच्चों को पढ़ाई के प्रति पढ़ने के प्रति मनोबल टूट जाता है वैसे ही शिक्षकों को कंटेंट बनाने के प्रति मनोबल कम हो जाता है लेकिन हम शिक्षक हैं हमारा कर्तव्य है कि हम पॉजिटिव सोचते हुए आगे बढ़ें चूंकि इतिहास गवाह है कि कितनी भी बड़ी अव्यवस्था क्यों ना हो वक्त के साथ वह बदलता है और हम इन्हीं उम्मीद के साथ कि यह जो अव्यवस्था है वह बदलेगी और जो बच्चे मेहनत करें उन्हें उनकी मंजिल मिलेगा ठीक है तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारा जो कर्तव्य है उसे हम जारी रखते हैं और हम करंट अफेयर को आज से कंटिन्यू करते हैं फ्रेंड्स हर संडे आप सभी जानते हैं कि स्टडी फॉर गोल्स पे प्रत्येक संडे को फ्री मॉक टेस्ट होता है और उसी प्रकार इस संडे को भी फ्री मॉक टेस्ट है लेकिन इस बार क्या है झारखंड उत्पाद सिपाही का फ्री मॉक टेस्ट है तो वैसे बच्चे जिन्होंने जो रनिंग है अभी जो चल रहा है और रनिंग में तो आप मतलब कुछ ऐसे न्यूज आते हैं जिनसे जिन्हें सुन के मन व्यथित हो जाता है मतलब अभी जो रनिंग चल रहा है रनिंग में भी अव्यवस्था आपको देखने को मिल जाएगा कि कहीं ना कहीं अव्यवस्था ही जिम्मेदार है क्योंकि बहुत सारे रनिंग होते हैं देश में आर्मी का होता है हमारे टाइम में सब इंस्पेक्टर का हुआ था कांस्टेबल का हुआ था लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि मतलब इतने बड़े मतलब दस प्लस बच्चों का जान चला गया है इस तरह की घटनाएं घटित नहीं हुई है तो फ्रेंड्स थोड़ा सा क्या है कि अव्यवस्था का शिकार नहीं बनना है अगर लाइफ में आप आपके पास जान है तो जहान है जितना आप अगर आपने खूब बढ़िया प्रैक्टिस किया है तो आप दौड़िए और अगर नहीं सक रहे हैं तो आप रुक जाइए क्योंकि अव्यवस्था की बलि नहीं चढ़ना है ठीक है क्योंकि माँ बाप एक बच्चे को ना बहुत मेहनत से आप सभी देखते होंगे आसपास की कितनी मेहनत से एक माँ बाप अपने बच्चों को बड़ा करते हैं और इस तरह से आ, मतलब एक बच्चा का मतलब अपने माँ बाप से अलग हो जाना बहुत दुखद है ठीक है थोड़ा सावधानी बरती है इसमें मैं बहुत पहले भी डिटेल वीडियो बनाया था आप मतलब अपन क्या है क्या आपके कंट्रोल में अव्यवस्था आपके कंट्रोल में नहीं है लेकिन आपके कंट्रोल में यह तो है ना कि मैं उस अव्यवस्था से कैसे बच सकता हूं तो जो चीज़ें मैं बताया उसे एग्जीक्यूट कीजिए और थोड़ा अपना ख्याल रखिए और ख्याल रखते हुए आगे बढ़िए छह महीना बाद चार महीना बाद तीन महीना बाद ही सही ही अगर जान रहेगा तो बहुत कुछ लाइफ में आगे कर सकते हैं तो वैसे लोग जिन्होंने जान गंवा दिया है उनके उन, उनका क्षति को पूरा नहीं किया जा सकता लेकिन अ, हम इतना कह सकते हैं कि ईश्वर दिवंगत बच्चों को बच्चों की आत्मा को शांति दे और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं ईश्वर एकदम थोक भाव में उन्हें अशांति प्रदान करें ताकि उन्हें दुख महसूस हो सके एक बच्चे का एक माँ बाप से अलग होने का ठीक है तो वैसे बच्चे जिन्होंने जो रनिंग पास कर लिए हैं उम्मीद करते हैं कि इसका एग्जाम जल्द होगा और उनके लिए स्टडी फॉर गोल्स तैयारी को जांचने के लिए उनका तैयारी को कैसा चल रहा है उसे जांचने के लिए आज इलेवन ए एम टू एट पी एम तक खोटा का और इसी टाइम पे इलेवन ए एम टू एट पी एम तक नागपुरी का पेपर टू खोटा और नागपुरी का फ्री मॉक टेस्ट होगा और तीन बजे से पाँच बजे तक क्या होगा फ्रेंड्स पेपर थ्री एक प्रश्न जो होता है बाइलिंगल मॉक टेस्ट स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे फ्री में अवेलेबल करवाया जाएगा तो आप अगर अभी तक स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड कर लीजिए और इसके माध्यम से टेस्ट आप दे सकते हैं टाइमली आपको टेस्ट का नोटिफिकेशन हमारे सारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिल जाएगा उसी प्रकार से फ्रेंड्स जितने भी झारखंड के नोटिफिकेशन वगैरह हैं उन्हें पाने के लिए आप स्टडी फॉर गोल्स का जो टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल है उससे भी जुड़ सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दे रहा हूँ उसी प्रकार से बिना ऐप डाउनलोड करते हुए भी आप चाहते हैं कि टेस्ट से जुड़ना तो आप क्या कर सकते हैं कि टेलीग्राम हमारा टेलीग्राम है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दिया हूँ वहाँ से जुड़ सकते हैं ठीक है बाकी बहुत से बच्चों का ये देखिए नोटिस है कि उनका वैलिडिटी इकतीस अगस्त को समाप्त हो रहा था उसे एग्जाम होने तक के लिए बढ़ा दिया गया आप निश्चिंत रहें हम अपने स्तर से जितना सहयोग कर सकते हैं आपको सहयोग कर रहे हैं बाकी फ्रेंड्स कंप्यूटर का बुक मार्केट में आ गया है इसे आप देख लीजिएगा इसके बारे में हम लोग लास्ट में वीडियो के लास्ट में चर्चा करेंगे थोड़ा सा आज का जो शुरुआत है वह लंबा हो गया चार मिनट के आसपास हो गया कल से ये नहीं होगा मैं कोशिश करूंगा कुछ बातें ऐसी थी जिसको जिससे आपको रूबरू कराना जरूरी था कल से हम लोग डायरेक्ट वीडियो को प्रारंभ करेंगे ठीक है चलिए तो आज पिछले एक दो दिनों में जो झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उसको हम लोग देखेंगे पहला प्रश्न है फ्रेंड्स चंपाई सोरेन के इस्तीफे के बाद आपको पता है कि जे पूर्व में जे के जो विधायक थे चंपाई सोरेन वो पार्टी छोड़कर भाजपा भाजपा बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं तो यहाँ से प्रश्न एग्जाम में बन सकता है प्रश्न पहला यह है फ्रेंड्स कि चंपाई सोरेन के इस्तीफे के बाद किने झारखंड का जल संसाधन उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री बनाया गया है पूर्व में चंपाई सोरेन जो थे वह झारखंड का जल संसाधन मंत्री और उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री ये दो विभाग थे उनके पास थे तो अब कौन बने फ्रेंड्स उनके खाली होने के बाद जेएमएम ने किन्हें इस पद के लिए चुना है तो वो है फ्रेंड्स रामदास सोरेन तो सही आंसर आप ध्यान में रखिए कि रामदास सोरेन को जो है वर्तमान में झारखंड का जल संसाधन उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री हैं ठीक है रामदास सोरेन जो है फ्रेंड्स झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्य हैं तथा घाटशिला निर्वाचन क्षेत्र से झारखंड विधानसभा के सदस्य वर्तमान में हैं ठीक है थीके? उसी प्रकार से फ्रेंड्स दूसरा प्रश्न है यह भी इंपॉर्टेंट है कि वर्तमान में मिथिलेश ठाकुर की, की यहाँ किस होगा किस विभाग के मंत्री हैं तो देखिए ये सिक्स टू एट वाले में मिथिलेश ठाकुर से डायरेक्ट प्रश्न पूछा था और मैं अपनी करंट अफेयर में उसे शामिल भी कर रखा हूँ आपके पास ऑप्शन है पेयजल एवं भी स्वच्छता विभाग पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग उपरोक्त तो दोनों और निबंधन विभाग तो अगर चार दिन पहले अगर इस क्वेश्चन को पूछा जाता तो इसका आंसर क्या होता फ्रेंड्स ए होता अभी जो रामदास सोरेन को जल संसाधन मंत्री बनाया गया उस दौरान एक और विभाग को परिवर्तन किया गया है वह पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग यह जो पहले हफीजुल हसन के पास था उनसे यह विभाग लेकर किन्हें सौंप दिया गया मिथिलेश ठाकुर को सौंप दिया गया है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी यानी वर्तमान में मिथिलेश ठाकुर जो हैं वह पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री भी हैं साथ ही साथ अभी इन्हें पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग भी, भी सौंप दिया गया है 8 जुलाई 2024 को गठित मंत्रिमंडल में पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद युवा कार्य विभाग हफीज़ुल हसन के पास था जिसे अब मिथिलेश ठाकुर को सौंप दिया गया ठीक है ये रहे मिथिलेश ठाकुर चलिए अब फ्रेंड्स मंत्रिमंडल को तो मैं अपने जो वीडियो करंट अफेयर के सीरीज थे उनमें बहुत डिटेल से बता रखा हूँ लेकिन फिर से थोड़ा सा परिवर्तन हो गया तो हम कोशिश करेंगे फटाफट इसे क्विकली हम रिवाइज कर ले फ्रेंड्स श्री हेमंत सोरेन यह क्या है वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री हैं इसके अलावा कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के मंत्री हैं गृह विभाग इन्हीं के पास है पत्तन निर्माण विभाग इन्हीं के पास है भवन निर्माण विभाग तथा तो मंत्रीमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग संसदीय कार्य रहित तथा विशेष सार विभाग जो अन्य मंत्री को आवंटित नहीं है वह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के पास है ठीक है चलिए दूसरे फ्रेंड श्री रामदास सोरेन ये क्या है तो जल संसाधन विभाग उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग यही परिवर्तन हुआ है तो यह आप ध्यान रखिए एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन सकता है क्योंकि हाल फिलहाल जो एग्जाम हुए हैं उनमें बहुत नजदीक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं तीसरा है फ्रेंड श्री रामेश्वर उरांव तो एज यूजल ये अपने पोस्ट में बने हुए हैं इनका क्या है तो वित्त विभाग योजना एवं विकास विभाग वाणिज्य कर विभाग संसदीय कार्य विभाग इनके पास है आगे फ्रेंड सत्यानंद भोक्ता या भी मतलब कितना भी परिवर्तन हो रहा है ये अपने विभाग में बने हुए हैं श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग और उद्योग विभाग श्री सत्यानंद भोक्ता जी के पास है श्री वैद्यनाथ राम ये क्या है तो स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग उत्पाद एवं मध्य निषेध विभाग के ये मंत्री हैं उसके बाद है फ्रेंड दीपक बिरुआ दीपक बिरुआ जो है अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण अल्पसंख्यक कल्याण को छोड़कर विभाग के मंत्री और साथ ही परिवहन विभाग भी इन्हीं के पास है श्री बन्ना गुप्ता स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले के मंत्री कौन है तो श्री बन्ना गुप्ता देखिए पहला वाला सबको याद रहता है सेकेंड वाला को इग्नोर नहीं करना है यहाँ से भी प्रश्न पूछ सकता है एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है चूंकि अभी आप थोड़ा सा वर्तमान परिदृश्य को देख के लग रहा है कि जो एग्ज़ाम है जीएसएसएस सी का वह सितंबर माह के अंत तक हो जाए और हम दुआ करेंगे कि मतलब ये ये हो जाए भाई ये बहुत लंबे समय से फंसा है पता नहीं कौन सा ग्रहण लगा ये होना चाहिए आठवां श्री इरफान अंसारी ये क्या है ग्रामीण विकास विभाग ग्रामीण कार्य विभाग पंचायती राज विभाग श्री इरफान अंसारी जी के पास है श्री मितेश ठाकुर अच्छा श्री वाले भी जो ऑफिशियल नोटिस होता है वहां पे श्री लगा रहता है इसलिए मैं डायरेक्ट उसे ही आप तक लेकर आया हूं श्री मितेश कुमार ठाकुर मंत्री हैं पेयजल एवं स्वच्छता विभाग और हाँ अभी मैं पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग अभी भी यही तो प्रश्न था तो ये ध्यान रखिएगा ठीक है चलिए श्री हफीजुल हसन इनके पास से एक विभाग कम हो गया अल्पसंख्यक कल्याण विभाग निबंधन विभाग नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री कौन है श्री हफीज़ुल हसन ग्यारहवें जो है फ्रेंड्स श्रीमती बेबी देवी म, मंत्री महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की ये मंत्री कौन तो श्रीमती बेबी देवी और बारहवा है फ्रेंड्स जो मंत्री हैं वह श्रीमती दीपिका पांडे जी हैं जो कि कृषि पशुपालन और सहकारिता विभाग की मंत्री और आपदा प्रबंधन विभाग भी इन्हीं के पास है ये रही दीपिका पांडे सिंह ठीक है इसके अलावा फ्रेंड्स ये डेली झारखंड करंट अफेयर तो है ही इंपॉर्टेंट इसके अलावा आप चाहते के डेली झारखंड करंट अफेयर निचोड़ से रूबरू डेलीं तो ऑलरेडी मैं झारखंड करंट अफेयर के में रिकॉर्ड कर रखा पे कुछ भी नहीं है सिर्फ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पे पिछले जो एग्जाम हुए जेपीएससी वगैरह वहां पे डायरेक्ट प्रश्न हमारे वीडियो से पूछे गए हैं आप जाके देख सकते हैं उसी तरह से फ्रेंड्स जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर है उनके भी लेक्चर आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा प्लेलिस्ट में बना दिया हूं जाके आप इन वीडियो को देख लीजिए ताकि करंट अफेयर का समस्या आपका दूर हो जाए बाकी फ्रेंड्स पढ़ना तो ठीक है उसके अलावा ज़्यादा से ज्यादा मॉक लगाकर आप जो अपना तैयारी है उसको पुख्ता कर सकते हैं इसीलिए जे एस को लेकर सफलता का बंडल है जहाँ पे पेपर वन का दस मॉक पेपर टू का पचास प्लस मॉक पेपर थ्री का पचास प्लस बायलिंगल टेस्ट अवेलेबल है उसी प्रकार झारखंड एक्साइज कॉन्स्टेबल सफलता का बंडल जहाँ पर पेपर वन का दस मॉक पेपर टू का पंद्रह मॉक और पेपर थ्री का पच्चीस बायलिंगल मॉक अवेलेबल है तो आप इन कोर्सेस से जुड़ना चाहते हैं तो ये ऑफिशियल नंबर से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और स्टडी फॉर गोल्स ऐप के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं तीसरा प्रश्न है, फ्रेंड्स मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा सामुदायिक चिकित्सा पदाधिकारी के तौर पर नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाली झारखंड की पहली ट्रांसजेंडर ट्रांस कौन है तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये एक सामाजिक मुद्दा से जुड़ा हुआ प्रश्न है और एक अच्छा बदलाव की ओर जाता हुआ प्रश्न है इसलिए इसका सही आंसर क्या है अमीर महतो ध्यान रखिएगा यह अमीर महतो को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा नियुक्ति पत्र सौंपा गया है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे एक अभी नियुक्ति पत्र सौंपा गया है तो वो पहली ट्रांसजेंडर ट्रांस कौन ट्रांसजेंडर कौन फ्रेंड्स तो अमीर महतो ठीक है ध्यान रखिएगा गरीब नहीं अमीर महतो और पश्चिमी सिंहभूम की ट्रांसजेंडर अमीर महतो को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रोजेक्ट भवन में सामुदायिक चिकित्सा पदाधिकारी के तौर पर नियुक्ति पत्र सौंपा है ठीक है चलिए चौथा प्रश्न है फ्रेंड्स रिम्स का जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स विभाग जनजातीय लोगों में किस बीमारी को लेकर शोध कर रहा है तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बन सकता है सिकल सेल एनीमिया को लेकर जनजातीय लोगों में यह बीमारी काफ़ी मतलब इसका लाइलाज बीमारी है तो इस यह काफी जनजातीय लोगों में यह बीमारी देखा जाता है तो इसको लेकर जो रिम्स है और कुछ और भी मेडिकल कॉलेज हैं वो मिलकर इस पर क्या कर रही हैं और शोध कर रही हैं ठीक है तो ये कौन सा डिजीज है फ्रेंड सिकल सेल एनीमिया रिम्स का जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स विभाग जनजातीय लोगों में सिकल एनीमिया ले को लेकर शोध कर रहा है इसके लिए करीब 600 जनजातीय लोगों के ब्लड सैंपल एकत्र करने का खाका तैयार किया गया तो यह भी इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा पांचवा प्रश्न है फ्रेंड्स वर्ष 2024 में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार तो भाई इन चार सालों में जो मुझे Uh, अभी करंट गवर्नमेंट की कोई योजना पसंद आया है तो वह यह योजना है फ्रेंड्स यह योजना बहुत अच्छा योजना है लोगों तक uh, मतलब जो सरकारी सुविधाएं हैं इन योजनाओं के सही क्रियान्वयन क्रियान्वयन के माध्यम से पहुंचाया जा सकता है बाकी प्रलोभन वाले योजनाओं से कुछ नहीं होता बट लोग जो हैं वह समझते हैं यह योजना वाकई में अच्छा है आप यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है तो पूछ रहा है वर्ष 2024 में आपकी योजना यह चौथा संस्करण है मतलब आपकी योजना आपकी सरकार हर साल ला रही है गवर्नमेंट दो में यह प्रारंभ हुआ था और अभी तक चल रहा है तो बोल रहा है कि चौथा संस्करण जो है दो में जो प्रारंभ हुआ है वह कब से कब प्रस्तावित है तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए तीस अगस्त से लेकर पंद्रह सितंबर तक आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार का जो चौथा संस्करण है, उसको क्रियान्वयन पूरे राज्य में किया जा रहा है अब आपकी योजना आपकी सरकार के बारे में जो चारों है उसके बारे में डिटेल बड़ा समय लगा मुझे ढूंढने में एक्चुअली झारखंड के कंटेंट बड़ा आसानी से मिलते नहीं गूगल पे भी कहीं भी ठीक है तो फाइनली मैं समय लगा लगा लेकिन मैं ढूंढ लाया यहाँ से जो भी प्रश्न बनेगा अब आप कर लीजिएगा इस योजना के चौथे चरण दो में फ्रेंड्स पहले दिन राज्य के सभी जिलों में तीन कैंप लगा, लगाए गए तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है तीन सौ अब ध्यान रख लीजिएगा दूसरा है कब प्रारंभ हुआ ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं तो पंद्रह नवंबर दो को इस योजना का शुरुआत किया गया था फ्रेंड्स और 2021 में इस योजना का जो पहला चरण था वो 16 नवंबर 2021 से 28 दिसंबर 2021 तक चला था और इसमें कुल 6867 शिविर आयोजित किए गए थे और लगभग 35.95 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा उलीहातु खूटी से इसका शुभारंभ किया गया था उसके बाद जो दूसरा चरण था फ्रेंड्स वर्ष 2022 में वो आपके अधिकार आपकी जो जो दो चरण हुआ था जो दूसरा चरण हुआ था 2022 में वो दो चरण में हुआ था प्रथम चरण 12 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक और दूसरा चरण जो था फ्रेंड्स एक नवंबर से और 14 नवंबर तक मतलब दूसरा चरण का जो दूसरा चरण था 2022 में वो दो भागों में बटा हुआ था जिसे मैं अभी बता दिया पांच शिविर आयोजित किए गए थे और लगभग पचपन लाख आवेदन हुए आए थे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा 12 अक्टूबर 2022 को झंडा मैदान गिरिडीह से दूसरे संस्करण का प्रारंभ किया गया था शुभारंभ किया गया था तीसरा चरण जो था फ्रेंड्स वह दो में हुआ और कब हुआ था चौबीस नवंबर से छब्बीस दिसंबर दो के बीच में और इस वर्ष कुल पांच शिविर आयोजित किए गए थे और लगभग अंठावन लाख आवेदन प्राप्त हुए थे बरहेट साहिबगंज से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा यह प्रारंभ किया गया था चौथा चरण वर्तमान में चल रहा है फ्रेंड्स 30 अगस्त से लेकर पंद्रह सितंबर तक और चूंकि जो हेमंत सोरेन ने इसमें कहाँ से प्रारंभ किया वह न्यूज़ में नहीं देखने को मिला क्योंकि वो अभी जो मतलब जल संसाधन मंत्री वगैरह का शपथ वगैरह था इन सब, इन सब में मोह राज्य के मुख्यमंत्री व्यस्त थे तो इन योजना का शुभारंभ का संदर्भ में कोई वैसा अपडेट नहीं था बाकी होगा तो डेली तो मैं आऊंगा ही डेली झारखंड करंट अफेयर के वीडियो के साथ तब तो मैं बता दूंगा बाकी फ्रेंड्स करंट अफेयर का जो परमानेंट सोल्यूशन है झारखंड करंट अफेयर के रूप में इससे मतलब मतलब स्टडी फॉर गोल्स का रिकॉर्ड है टेन प्लस कॉपी जिसके बच्चों तक पहुँचे हैं और यह आने वाले एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही वही चीज़ें हैं हमने इसमें कोटेशन यूज करते हैं पढ़े सिर्फ उतना सफलता के लिए ज़रूरी है जितना इन बात को पूरी तरह से हम लोग बुक में भी उतारते हैं ठीक है तो आप जाइए बुक स्टोर पर बुक पलट के देखिए आपको खुद ही अच्छा लगेगा आप इसे अपने सफलता वाले बुक लिस्ट में शामिल कर सकते हैं बाकी झारखंड सामान्य ज्ञान से आप सभी परिचित हैं या अपडेटेड होकर मार्केट में अवेलेबल है छठा प्रश्न है फ्रेंड्स किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में झारखंड भवन बनकर तैयार हुआ है तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स दिल्ली में झारखंड भवन बनकर तैयार है या इसका ओरिजिनल बिल्डिंग का मैं वीडियो नेक्स्ट क्लास में साझा कर दूंगा जो बिल्डिंग बन रहा है वह दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में गुरुद्वारा बंगला साहिब लेन में झारखंड भवन का निर्माण कराया गया है इसमें राज्यपाल मुख्यमंत्री मुख्य न्यायाधीश मुख्य सचिव के लिए बहुत अच्छा व्यवस्था किया गया है साथ ही अन्य सुविधाएं भी प्रबंध उपलब्ध करवाया गया ठीक है चूंकि जो भी गेस्ट दिल्ली जाते हैं वह यहाँ पे झारखंड भवन में रुक सकते हैं सातवां प्रश्न है फ्रेंड सैंतीसवें एथलेटिक्स का आयोजन सैंतीसवें राष्ट्रीय एथलेटिक्स का आयोजन कहाँ किया जा रहा है इसका सही आंसर है फ्रेंड्स जवाहर नवोदय विद्यालय मेसरा रांची में किया जा रहा है जवाहर नवोदय विद्यालय मिश्रा रांची में सैतीसवें राष्ट्रीय एथलेटिक्स का आयोजन किया जा रहा है देश के विभिन्न स्कूलों के खिलाड़ी यहाँ पे भाग ले रहे हैं ठीक है तो ये थे फ्रेंड्स पिछले एक दो दिनों में बने झारखंड के एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और स्टडी फॉर गोल्स का ट्रेंड रहा है कि एक क्वेश्चन आपके लिए होता है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना क्या होता है कंपलसरी होता है तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है देखते हैं प्रश्न आसान है कितने लोगों को आता है हाल ही में झारखंड के ग्यारहवें राज्यपाल के रूप में शपथ लेने वाले संतोष गंगवार किस राज्य के रहने वाले हैं तो आपके पास ऑप्शन है बिहार पश्चिम बंगाल मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तो इसका आंसर कहाँ पे देना है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है बाकी इनके बारे में अगर कुछ और आप जानते हैं तो वह भी झारखंड के राज्यपाल से तो संबंधित क्या प्रश्न पूछे जाते हैं उन सबसे रिलेटेड तीन चार पॉइंट आप लिखिए ताकि क्या होता है ना कई बार आप जब चीज़ों को लिखते हैं तो आपके दिमाग में सेट हो जाता है और क्या पता कि आप जो लिखें वही एग्जाम में प्रश्न पूछ दें तो जरूर लिखना है ठीक है बाकी फ्रेंड्स यही था आज का वीडियो हमने कोशिश किया खाली इंपॉर्टेंट चीज़ों को आप तक प्रस्तुत करने का और बाकी किसी प्रकार को और भी क्वेरी अगर आपके पास आप चाहते हैं कि मतलब पढ़ाई को लेकर या फिर रनिंग को ही लेकर कि क्या करें कैसे बचें तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं यह मेरा यूजर आई डी कॉप रंजीत कुमार और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल दिया हूँ इसके अलावा व्हाट्सएप पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप चैनल है या यहां पर मैं अपने पर्सनल चीज़ों को साझा करता हूँ आपके साथ तो आप चाहते हैं हमसे जुड़ना तो आप इन दोनों के माध्यम से आप मुझसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं इन दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूं बाकी फ्रेंड्स मॉक का आ, समंदर में आप डुबकी लगाना चाहते हैं तो 50 प्लस खोटा फुल लेंथ टेस्ट के अलावे सारे प्रीवियस ईयर पेपर इवन अभी जो सहायक चार के एग्जाम हुआ वह भी खोटा का टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट और डॉट क्लियरेंस ग्रुप इन सब से जुड़ना जूड़, चाहते हैं तो इन फिफ्टी प्लस मॉक टेस्ट से जुड़ सकते हैं और uh, अभी जो महिला परीक्षा का एग्जाम आठ तारीख को uh, प्रस्तावित है उसको लेकर भी सेम सिलेबस है तो उसके लिए भी आप इस प्रैक्टिस uh, सेट से जुड़ सकते हैं उसी तरह नागपुरी का भी सेम से, uh, है आप इससे अगर नागपुरी पेपर टू में क्षेत्रीय भाषा है तो आप इन कोर्सेस से जुड़ सकते हैं बाकी uh, उत्पाद सिपाही का खोटा अगर आपने पेपर टू में उत्पाद सिपाही का खोटा रखा है तो आप खोटा का भी प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है जुड़ सकते हैं बाकी आप वन क्षेत्र पदाधिकारी के लिए फॉरेस्टर या फॉरेस्ट रेंज ऑफ फॉरेस्ट फौरे, रेंज ऑफिसर या असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट सहायक वन संरक्षक और क्षेत्र वन क्षेत्र पदाधिकारी का प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं यहां पे प्रीवियस ईयर के सारे पेपर इवन मेन्स में भी जो क्वेश्चन पूछे गए वो अभी यहाँ पे शामिल किया गया बुक स्टोर पर जाइए प्लट नहीं तो स्टडी फॉर गोल्स ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं बाकी हमारा जो लेटेस्ट बुक है वो कंप्यूटर समान ज्ञान का इसलिए हमने बनाया क्योंकि बहुत से बच्चों का क्वेरी था कि साइंस और कंप्यूटर के जो बुक हैं फ्रेंड्स वो स्पेशली झारखंड विशेष रूप से जेएसएससी के लिए डिजाइन नहीं है तो हमने यहाँ पे विशेष रूप से जेएसएससी जेएसएससीबस के अकॉर्डिंग जे के पुराने पैटर्न के अकॉर्डिंग इस पुस्तक को आप तक लाए हैं बहुत लिमिटेड कॉपी में हमारी पुस्तक आते हैं तो कोशिश करें कि इस पुस्तक को जल्द से जल्द आप अपने बुक मतलब जो सफलता वाला बुक लिस्ट है उसमें शामिल करें इस पुस्तक में इक्यावन प्लस प्रैक्टिस सेट है वन लाइनर टॉपिक वाइज पॉइंट है जितने भी जैसे एक सेट खत कंप्लीट होता है वैसे ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है जहां से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है वह शामिल किया गया है जेपीएससी जे जेएसएससी में आज तक जितना प्रश्न पूछा गया कंप्यूटर को वह भी शामिल है और जेएसएससी टेन प्लस टू एल में जो टाइपिंग से प्रश्न पूछा जाता है उसका विशेष हमने पेजेस यहां पे दे रखा है यह है विशेष सूची यहाँ तक इकावन मॉक टेस्ट है उसके बाद कंप्यूटर सामान्य ज्ञान के की पॉइंट्स हैं वह जो कि यहां तक है उसके बाद जेएसएससी टेन से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं वह हम लोगों ने एक सौ से एक पेज में शामिल किया बाकी जेपीएससी जे एस द्वारा प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न पूछे गए वह यहाँ पे सारे शामिल किए गए सारे जुलाई दो हजार चौबीस इकतीस जुलाई दो हजार चौबीस सहित इस प्रकार से टेस्ट हैं और लास्ट में जनरेशन जे ऑफ कंप्यूटर है इस तरह से आपको लास्ट में देखने को मिलेगा ये की पॉइंट के रूप में ठीक है बाकी टेन प्लस टू एडी सी के लिए तो ये टाइपिंग से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं बीस प्रश्न लगभग टाइपिंग से होते हैं तो यहाँ पे टाइपिंग से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं हमने शामिल किया बाकी कृति देव टेन जीरो वन जीरो इसी पर टाइपिंग का प्रैक्टिस भी होता है और इसी से प्रश्न भी पूछे जाते हैं तो टाइपिंग से जो प्रश्न बनते हैं वहाँ से लगभग सेवेंटी फाइव प्लस प्रश्न यहाँ पर शामिल किए गए बाकी जे पी सी एम जे सी सी में जितने भी प्रीवियस में करंट ये कंप्यूटर के जो प्रश्न पूछे गए हैं वह शामिल किया गया और आपकी प्रैक्टिस के लिए ओ एम आर सीट भी दिया गया है बाकी पेपर टू अगर सी जी एल में खोटा का पेपर अगर आप ये नहीं इस बुक से गो थ्रू हुए जरूर गो थ्रू हो जाए अब यह पुस्तक के साथ एक अतिरिक्त है जहां पे हाल फिलहाल जो, जो के एग्जाम हुए भी शामिल किया गया बाकी आज है आज है है संडे आपको ये नोट कर लेना है कि स्टडी फॉर गोल्स ऐप पर ग्यारह से एक के बीच में खोटा पेपर टू खोटा नागपुरी का टेस्ट और पेपर थ्री सामान्य अध्ययन का टेस्ट तीन से पाँच है बायलिंग टेस्ट है ग्लोबल रैंक जानने के लिए आप इस स्टेज से जरूर जुड़िएगा आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा वहां पे जितने भी हमारे प्लेटफॉर्म हैं उनके लिंक हमने साझा कर रखा है तो उनके माध्यम से आप हमारे प्राप्त प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइएगा हर जगह लिंक शेयर किया जाएगा लेकिन मैं कोशिश मेरा सजेशन है कि आप ऐप के थ्रू टेस्ट दीजिए क्योंकि जैसे ही ऐप के थ्रू टेस्ट देंगे तो टेस्ट सबमिट सबमिट करने के साथ ही आप एनालिसिस देख सकते हैं कौन सा प्रश्न सही हुआ कौन सा गलत हुआ और बाकी जो लिंक से देंगे तो आपको यह सुविधा नहीं मिलता है आप डायरेक्ट देख सकते हैं कितना आपका गलत हुआ कितना सही हुआ एनालिसिस नहीं देख सकते हैं ठीक है तो उसके लिए आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा बाकी फ्रेंड्स आज का वीडियो लंबा हो गया थोड़ा सा लेकिन मैं कोशिश करूंगा जो कल से करंट अफेयर के वीडियो आएंगे वो एकदम सा समराइज शॉर्ट होगा और दस से बारह मिनट से ज्यादा का वीडियो नहीं होगा ठीक है बाकी फ्रेंड्स बढ़ते रहिए मैं हमेशा मतलब कामना करता हूँ कि जो है दौड़ वह बदले और जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनका सिलेक्शन हो और मैं ईश्वर से भी हमेशा दुआ करता रहता हूँ अपने स्तर से कि ये चीज़ें बदले और आपका सिलेक्शन हो बाकी ढेरों शुभकामनाएं है स्वस्थ रहिए मस्त रहिए अपना ख्याल रखते हुए आगे बढ़िए और खास करके जिनका उतवा सिपाही में दौड़ पलामू वगैरह में है क्योंकि पलामू बहुत गर्म एरिया है और वहाँ पर ज़्यादातर बच्चों को मतलब बेहोश होना या फिर जान चल जाने वाले जो समस्या आ रहे हैं वहाँ पे ज़्यादा आ रहे हैं तो आप जाइएगा तो अपना बेस्ट तो देना ही है लेकिन इतना बेस्ट नहीं देना है कि मतलब जान वाली बात हो जाए भाई फिर ट्राई कर लेंगे फिर दूसरा ट्राई कर लेंगे लेकिन आप एक बार माँ बाप के बारे में सोचिए आप थोड़ा सा ना उनके लिए आपका मतलब रोजगार ना होना ना आपका होना ज़्यादा मायने रखता है तो कोशिश करना है मैं ये नहीं करता हूँ कि गिव अप कर दीजिए कोशिश करना है लेकिन उतना ही कोशिश करना है जितना मेरा क्षमता है ठीक है बाकी स्वस्थ रहेंगे और तभी भविष्य में आगे बहुत कुछ कर पाएंगे ठीक तो है तो ढेरों शुभकामनाएं हैं स्वस्थ रहिए मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए अपने एवं अपनों का ख्याल रखिए और बाकी मैं फिर मिलता हूँ कल इसी डेली झारखंड करंट अफेयर की वीडियो के साथ तब तक बाय बाय एंड टेक केयर जय हिंद जय झारखंड